सत श्री अकाल जी। कैनेडा सरकार दे वल्लों कोरोना की वैक्सीन की पहुँच आम नागरिकां तक की गई है ता जो इस कोरोना महामारी से निजात पाई जा सके। कैनेडियन नागरिकां नूं कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है ता जो कोरोना के वध रहे प्रभाव नूं घट किया जा सके। अजिहे समय में जो लोग कैनेडा आ रहे हैं उन्हां दे मनां विच कई तरह के शंके अते सवाल उठ रहे हैं कोरोना वैक्सीन नूं लैके अते कैनेडा सरकार दे कोरोना नूं लैके लगाए गए रूल्स नूं लैके। कैनेडा दे वल्लों कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र कई तरह दी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं जिस दे अधीन नॉन एसेंशियल ट्रैवल दे उत्ते मार्च 2020 तो बाद अज तक पाबंदियां जिवें दी तिवें लागू हैं, पर कुछ कैटेगरीज़ नूं कैनेडा आउण दी ढिल भी दित्ती गई है जिस दे विच मुख तौर दे उत्ते इंटरनेशनल स्टूडेंट्स शामिल ने। इत्थे जिन्हां नूं कैनेडा आउण दी इजाजत दित्ती गई है उन्हां दे लई भी कई तरह के नियम अते शर्तां लागू हैं जिस दे विच मुख तौर दे उत्ते 14 दिन का एकांतवास शामिल है अते 3 दिन का होटल क्वारंटाइन शामिल है अते शर्तां पूरियां ना करन दी सूरत दे विच उन्हां कोलों मोटा जुर्माना भी वसूलिया जा रहा है। इत्थे बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि जेकर कोरोना की वैक्सीन आ गई है तो हुण कैनेडा के रूल्स पूरे करने की जरूरत है या नहीं, भाव कैनेडा द्वारा लगाए गए नियमों ते शर्तों पूरा करना जरूरी है या फिर नहीं। इसका जवाब देंदे हुए कैनेडा ने अपने ट्रांसपोर्ट कैनेडा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल तो इसका जवाब दिता है और लोगों के भुलेखे दूर किया है। आओ जानते हाँ कैनेडा के वलों की कहा गया है। ट्वीट दे विच ट्रांसपोर्ट कैनेडा वालों कहा गया है कि मौजूदा क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट कैनेडा वापस आने वाले सारे यात्रियों से लागू होंदिया हैं अते वैक्सीन इंडिविजुअल मतलब जिन्हां व्यक्तियों टीके लगाए हुए ने उन्हां नूं भी अजे भी सारी टैसटिंग क्वारंटाइन प्रोटोकॉलों पूरा करना लाजमी है जो हैल्थ कैनेडा वालों तय किए गए हैं। भाव अगर इस नूं सिंपल भाषा दे विच समझिए ते भावें तुसी कोरोना दी वैक्सीन लगवा भी चुके हो तुहानूं फिर भी कैनेडा दे वल्लों रखियां गईयां सारियां शर्तां ते नियमां दी पालना करनी ही पवेगी। ट्रैवल कैनेडा दे वल्लों कीता गया ट्वीट तुसी अपनी स्क्रीन दे उत्ते भी देख सकते हो। ब्यूरो रिपोर्ट खबर पंजाबी।